हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सिंडा के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा आईबीपीएस एसओ जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो कि 11 की 2021 की जो कि वैकेंसी आई हुई है, जिसमें जो कि 1828 पदों के लिए जो कि आवेदन करना है। इसमें जबकि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इसमें आपको जो कि फोटो और साइन और लेफ्ट थंब और डिक्लेरेशन जो कि आपको चारों चीज़ आपको लगानी है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इनकी जो कि रिसाइजिंग है जो कि आपको करनी है, फोटोग्राफी 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर 10 से 20 केबी के बीच में और लेफ्ट थंब 20 से 50 केबी के बीच में, और जो आप हैंड डिक्लेरेशन जो कि आप लगेंगे अपने पेन से फ्री हैंड लिखेंगे वो 50 से 100 केबी आपको चाहिए होगा। तो इसकी रिसाइजिंग आपको किस प्रकार करनी है इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए जैसे मान लीजिए वो जो फोटो है हमको रिसाइजिंग करना है, फोटो का रिसाइजिंग करना है 20 से 50, तो इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि 20 से 50 है या नहीं। ये देखिए 68 से 72 के बी के बीच में आ रहा है, तब इसकी साइज बहुत ज़्यादा है। इसी तरह आपके की भी ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, तो मैं आपको दोनों चीज़ बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आप लोग ओपन विद करना है और पेंट में आपको जाना है। पेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर रिसाइजिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पिक्सल पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको इस मेंटेन एब्सेंट रेशियो को आपको हटा देना है या रहना देना चाहते हैं रह सकते हैं। उसके बाद ये जैसे 500 है तो आप इसमें क्या करेंगे, 300 करके देखेंगे। जैसे हम 300 करते हैं तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है, तो हम इसको फिर से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम देखते हैं कि इसका साइज़ क्या हमारे जो कि हमको मांगा गया था और उसकी रिसाइजिंग के बराबर हुआ या नहीं, इस हम देख पाते हैं कि 20 से 50 के भी हुआ या नहीं, तो इसकी हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो ये 20 से 50 मतलब 38 से 40, तो इस तरह से ये कम आ गया। उसी तरह अगर हमारे को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता तो हम उसमें बढ़ा देते। उसी तरह अब आते हैं हम, उसके बाद आते हैं साइन के बाद। अब साइन का देखते हैं, साइज साइन की हमको 10 से 20 के बीच चाहिए, तो ये 20 से 24 के बी के बीच में, तो हमको इसको भी हमें कम करना है। तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन विथ करना होगा, पेंट के अंदर वही रिसाइजिंग वाला ऑप्शन जाना पड़ेगा। इस बार क्या करेंगे, हम 500 है तो हम यहाँ पर 400 कर देंगे। उसी तरह आपको ज़्यादा आएगा तो आप ज़्यादा कर दीजिए, क्योंकि हमको थोड़ा ही कम करना है, इसलिए मैं 400 किया मैंने। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कम करना है तो वैसे आप कर सकते हैं। अब इसका मैं रिसाइज फिर से देखना चाहूँगा, तो इसका मैं साइज देख पा रहा हूँ तो ये 14-16, तो अपन को चाहिए 20 के बी के बीच में, मतलब 10 से 20 के बीच, तो ये अपना काम हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने जो कि लेफ्ट थंब, जो कि आप तीसरी चीज लगाएंगे लेफ्ट थंब, उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो कि लेफ्ट थंब चाहिए 20 से 50 के बीच में, तो इसकी प्रॉपर्टी देख पा रहा हूँ 28 से 32, तो इससे हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे एक्यूरेट आ रहा है कि हमारे 50 के बीच में, 20 से 50 के बीच में। फिर भी हम देख इसका थोड़ा रिसाइजिंग हम करके आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करें, इसमें थोड़ा बढ़ा के दिखाते हैं, क्योंकि ओवरऑल में हमने घटाया तो इसमें हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसमें मैंने इसको 400 कर दिया, 400 कर दिया, थोड़ा बढ़ गया। बढ़ने के बाद सेव करके देखते हैं, तो हम सेव करके दोबारा इसे चेक करते हैं कि भाई इसका साइज बढ़ा या नहीं, तो हम देख पा रहे हैं ये 32 से 36 के बी के बीच में आ गया। पहले ये जो कि 24 के बी के भी था, उसी तरह हम इसे और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमको 50 के बी तक, वहाँ तक हमको चाहिए, मतलब 50 के बी तक चल जाएगा। उसके बाद आते हैं हैंड डिक्लेरेशन, जो कि 50 से 100 के बी के बीच में चाहिए, तो हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी में जाके। तो ये देख ले, देख पाते हैं ये 60 से 64 के बीच में है, तो इससे हमारा काम चल जाएगा, इसकी भी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं गाइडलाइन में क्या डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, क्या तरह आपको डिक्लेरेशन लिखना है। तो आप गाइडलाइन में यहाँ देखेंगे कि जो कि नोटिफिकेशन जो कि जारी हुआ है, उसके अंदर पूरा आपको गाइडलाइन दिखाया हुआ है कि ये पूरा जो कि डिक्लेरेशन है आपको यहाँ तक ध्यान में रखना है। जैसे डबल कोमा लग रहा है तो डबल कोमा लग रहा है, आई लग रहा है आई लगाना है, फिर कोमा लगाना है। इसी तरह आपको अपना नाम लिखना है जो कि फ्री हैंड आपको लिखना है, उसके बाद फिर से कॉमा लगाना है, इससे हैंड डिक्लेयर पूरा इस तरह से यहाँ पे आपको जो कि नोटिफिकेशन में देख लेना है, यहाँ पे मैं आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरह जैसे आप पूरी यहाँ पे करंट है, ये अभी यहाँ पे कोर लग रहा है कॉमा, उसी तरह ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे जब लास्ट में इसको भी एंड करना है डॉट लगा के, पूरा ध्यान में रखकर ये आपको करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसे पूरे व्हाइट पेज पर करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने कर रखा है। उसके बाद ये पूरा डिक्लेरेशन आपको जो कि मैंने जो कि लिख रखा है, सेम इसी में आप ब्लैक पेन से आप या ब्लू पिंक से आप इसे कर सकते हैं, पूरा ब्लैक पेन से आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद ये पूरा हो जाएगा। इसके हम रिसाइजिंग देखिए 50 से 60 के बी, 60 के बी का था तो हम इसे थोड़ा और बढ़ा देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में देखिए दोबारा बताता हूँ, 60 से 64 के बी का हम इसका साइज थोड़ा और बढ़ा देते हैं। हम इसे वापस पेंट में जाते हैं तो हमारा थोड़ा और अच्छा लिखे, क्योंकि अब इसलिए हम इसको देखिए यहाँ पे 1300 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1400 कर देता हूँ या 1500 भी कर सकता हूँ अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो मुझे, और इस पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ और सेव पे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसका देखता हूँ क्या इसका साइज रिसाइज हुआ या नहीं, तो देख पाता हूँ कि मैं इसके साइज 64 से 68 के बी के बीच में हो गया है, मतलब कुछ साइज 60 था तो 64 से 68, तो हमारा काम चल जाएगा। तो आप थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपकी जो कि चारों चीज़ों की है जो कि रिसाइजिंग हो जाएगी, जो कि गाइडलाइन दे रखी है आई बी पी एस एसओ की जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की है,
तो इस तरह से आप सभी चीजें आप इसमें कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।